केरल का फोर्ट कोची इतिहास की एक रंगीन किताब है, जिसका हर पन्ना यहाँ पर कदम रख रहे हर देशी विदेशी यात्री, व्यापारी और ताकत के प्रभाव को बखूबी से दर्शाता है। इन्हीं में प्रमुख थे यहूदी या ज्यूस, जो आज भी यहाँ रहते हैं। यहाँ मौजूद परदेसी सिनागॉग में उनके इतिहास के कई पहलू दर्ज हैं। क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया के सबसे पुराने यहूदी पूजा घरों में गिना जाता है? कोची के मटनचेरी जूटान में स्थित परदेसी सिनागॉग का निर्माण 16वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। ये एक सुगठित मंदिर है, जहां तेबा से लेकर अजारा तक यहां पर वो सभी तत्व और विशेषताएं हैं जिनका निर्माण सागौन की लकड़ी, लैटराइड, सोना और टेराकोटा जैसी सामग्रियों से हुआ है। यहां पर यहूदियों की हजार साल पुरानी परंपरा, इतिहास और कला इतिहास महफूज है, जिसके बारे में आज भी बहुत लोग नहीं जानते। आइए आपको इसके सफर पर ले चलते हैं। सोलहवीं शताब्दी से भी पहले कोची में यहूदी समुदाय रह रहा था, जिसकी शुरुआत इज़राइल के प्राचीन राजा सोलोमन के काल से बताई जाती है। कई तथ्यों की माने तो पहली शताब्दी में जब यहूदियों और रोमन के बीच हो रहे युद्ध के कारण यहूदियों को भारी तबाही से गुजरना पड़ा था, तब कई वर्तमान केरल के कोडंगलूर और उसके आसपास के क्षेत्र में वो आकर बसे। तब से वो यहाँ रहकर व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सक्रिय हुए। कोचिन ज्यूज़ के नाम से जाने गए इन लोगों ने कई हमलों का सामना करके अपने समुदाय का विस्तार किया, मगर इनके द्वारा निर्मित एक भी सिनागॉग आज यहां नहीं है। 14वीं शताब्दी में हालात तब बदले जब कोडंगलूर में एक विनाशकारी बाढ़ से हुए जानमाल की नुकसान के चलते अन्य लोगों की तरह भी यहूदी कोची में जा बसे। वहीं 16वीं शताब्दी में स्पेन और पुर्तगाल में पुर्तगालियों द्वारा अत्याचार से बचने के लिए यहूदियों का एक और जत्था कोची आया। चूंकि यह जत्था इज़राइल नहीं बल्कि दूसरे देशों में बसे अप्रवासी यहूदियों का बना था, तभी इनका नाम परदेसी यहूदी या परदेसी ज्यूस पड़ा। इनकी बढ़ती आबादी को देखते हुए तत्कालीन केरल राजा केशव राजा वर्मा की अनुमति से यहां पर सन 1568 में परदेसी सिनागॉग का निर्माण हुआ। सन 1660 के दशक के दौरान जब इस क्षेत्र में अधिकार जमाने के लिए पुर्तगालियों और डच के बीच संघर्ष हुए, तब यहूदियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे डच का समर्थन करते थे। इतना ही नहीं, परदेसी समेत अन्य सिनागॉग को भी आग लगाया गया था, मगर जब सन 1665 तक डच एक शक्तिशाली ताकत के तौर पर उभरे, तब यहूदियों का एक बार फिर से विस्तार हुआ और परदेसी सिनागॉग का पुनर्निर्माण हुआ। परदेसी सिनागॉग दुनिया के उन चंद पूजा स्थलों में गिना जाता है जहां पर हमको दुनिया के अनेक देशों के प्रभाव दिखते हैं। यहां पर एक बेल्जियन झूमर है, साथ ही साथ यहां पर डच शैली का एक चौकोर घंटा घर है, जिसके तीनों कोनों में रोमन, हिब्रू और मलयालम लिपि में समय के अंक लिखे गए हैं। इसको एक यहूदी व्यापारी और राजनयिक एज़ेकियल राहबी ने सन 1760 के दशक में यहां लगवाया था, जिसकी कब्र इस सिनागॉग के आंगन में आज भी मौजूद है। परदेसी सिनागॉग के फर्श की खासियत यह है कि इनमें चीन से लाए गए चीनी मिट्टी टाइल हैं। यहां के मुख्य पूजा स्थल के सामने
सन 1956 में इथियोपिया के राजा हेले सिलासी द्वारा दिया गया पूर्वी देशों का एक गलीचा है। परदेसी सिनागोग में हिंदू मंदिरों से प्रेरित छत से लटकते ब्रास और गिलास के लैंप हैं, जिनको कई त्योहारों के दौरान प्रकाशित किए जाते हैं। कई लोग ये नहीं जानते कि परदेसी सिनागोग उन सभी देशों में सबसे पुराना सिनागोग है जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ देशों के संगठन में शामिल है। इसके निर्माण के दौरान कड़वुबागम और तेकुमबाकम जैसे कई सिनागोग बने, मगर ये सब आज या तो मौजूद नहीं है या तो इनके अवशेष इसराइल के संग्रहालयों की शान बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा भारत और अन्य ब्रिटिश कॉमनवेल्थ देशों में मौजूद आज जितने भी सक्रिय सिनागोग हैं, उनका निर्माण परदेसी सिनागोग के निर्माण के दशकों या शताब्दियों के बाद हुआ। 20वीं शताब्दी तक परदेसी यहूदी न सिर्फ भारत के अन्य इलाकों में फैले, बल्कि वो अपने मालाबारी समकालीनों से भी घुल मिलने लगे थे। सन 1948 में जब इसराइल एक स्वतंत्र देश बना, तब भारत और विदेश से यहूदी वहां आकर बसने लगे थे, जिसकी प्रणाली आज भी कुछ हद तक जारी है। इनमें से कईयों के वंशज हर साल एक तीर्थ यात्रा के तौर पर परदेसी सिनागोग जरूर आते हैं। 1960 के दशक में परदेसी सिनागोग कई ऐतिहासिक किस्सों का गवाह रहा। यहां पर 10 तस्वीरों का चित्रण हुआ जिसमें केरल में यहूदियों के इतिहास को दर्शाया गया, और ये आज भी यहां मौजूद है। वहीं सन 1968 में इस सिनागोग ने 400 साल पूरा करने के उपलक्ष में एक भव्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी शरीक हुई थी। सन 1995 में परदेसी सिनागोग वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड के तहत ज्यूइश हेरिटेज ग्रांट प्रोग्राम के अंतर्गत आया। इसने कई भारतीय सांस्कृतिक संगठनों के साथ मिलकर सिनागोग को उसकी पुरानी गरिमा वापस लाने में काम किया। आज परदेसी सिनागोग भारत में यहूदियों के लिए चंद सक्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है, जो यहां आए हर सैलानी और इतिहास शौकीन को भारतीय इतिहास के एक अनजान पहलू से रूबरू कराता है।